शापुरजी पलूंजी ग्रुप की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फ्लैगशिप कंपनी यूरेका फोर्ब्स बिकने जा रही है। ये वैक्यूम क्लीनर और वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इसे खरीदने की होड़ में प्राइवेट इक्विटी ग्रुप एडवेंट इंटरनेशनल सबसे आगे चल रही है। माना जा रहा है कि यह सौदा 4.5 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का हो सकता है। आने वाले दिनों में इस डील के बारे में औपचारिक घोषणा हो सकती है। दोनों पक्षों को बातचीत के लिए खास डील दी गई है। अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो इससे 154 साल पुराने एसपी ग्रुप को अपना कर्ज कम करने और कोर बिजनेस पर फोकस करने में मदद मिलेगी। एसपी ग्रुप का मुख्य कारोबार कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट का है। सूत्रों के मुताबिक यूरेका फोर्ब्स घाटे में चल रही है, इसे लिस्टेड पेरेंट कंपनी फोर्ब्स एंड कंपनी से अलग किया जाएगा और फिर NCLT की मंजूरी मिलने के बाद एडवेंट को बेचा जाएगा। इस बारे में एडवेंट और एसपी ग्रुप ने टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। फोर्ब्स एंड कंपनी का मार्केट केप 5,309.72 करोड़ रुपए का है। पलूंजी परिवार ने करीब 2 दशक पहले ये बिजनेस टाटा ग्रुप से खरीदा था। कंपनी ने इसे बेचने का जिम्मा 2019 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को दिया था। वो 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यूएशन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन COVID-19 महामारी के कारण बीच में ही इस प्रक्रिया को छोड़ना पड़ा। इस साल की शुरुआत में ग्रुप ने फिर से कंपनी की बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है और सूत्रों के मुताबिक वारबर्ग पिनकस और होम अप्लायंसेस बनाने वाली स्वीडन की कंपनी इलेक्ट्रोलक्स भी यूरेका फोर्ब्स को खरीदने की होड़ में थी, लेकिन अंतिम चरण में एडवेंट ने बाजी मार ली। इस मामले में एडवेंट ने नोमुरा को अपना सलाहकार बनाया है। 2015 में एडवेंट ने सिंगापुर की टेमासेक के साथ मिलकर क्रॉम्पटन ग्रीव्स के कंज्यूमर बिजनेस को इस तरह डिसमर्जर प्रक्रिया में खरीदा था। फिर उसने पब्लिक मार्केट में कंपनी शेयरों को किश्तों में बेचा। इस साल जून में उसने ब्लॉक ट्रेड के जरिए 5.36% की अंतिम किस्त भी बेच दी। एडवेंट ने पिछले महीने आस्क वेल्थ मैनेजमेंट में अपनी नियंत्रण हिस्सेदारी ब्लैकस्टोन को $1 अरब में बेची थी। शापुरजी पलूंजी समूह की टाटा सन्स में 18.37% हिस्सेदारी है। पालूंजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन 4 साल बाद उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया। तभी से उनकी टाटा समूह के साथ ठनी हुई है। टाटा समूह ने एसपी समूह की हिस्सेदारी खुद खरीदने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए मिस्त्री परिवार तैयार नहीं है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.